नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आ चुकी हूँ गांव में, और अभी आज है सोमवार और दिन है सोमवार, और ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 9 बजे से, और तैयार हो गए हैं, नहा वगैरह के रेडी भी हो चुके हैं, और काफी यहाँ पे धूप है गाँव में, और भाई धूप के मौसम है तो धूप ही न रहेगा, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो नहा धोवा करके पूजा वगैरह भी कर लिए है। तो आज है सोमवार और आज 13 तारीख है, और आज लोकसभा की वोट है 2024 की, तो हम लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए, और 2024 की ये बहुत लोकसभा वाली वोट है, तो सारे लोग जा रहे हैं, और मैं आई हूँ रांची से वोट स्पेशल मारने के लिए। तो तब तक चलिए कि हमारे गांव का नज़ारा किस तरह से है वो आपको देखने को मिलेगा, और तब तक देखिए वीडियो। और तो दोस्तों खाना वगैरह भी बना रहे हैं, आज खाना हम मतलब खाना चढ़ा दिए हैं और आ चुके हैं वीडियो शुरू करने के लिए, और 9 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भाई जाना है आज वोट देने जाना है, तो इसीलिए सबसे पहले ही तैयार हो गए। ऐसे 7 बजे से वोट यहाँ पे पड़ रहा है, तो काफी लेट होंगे, मतलब ज्यादा भीड़ होंगे, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि चलो खाना वगैरह भी खा ले, अगर लेट भी हो वहाँ भीड़ में तो भाई आराम से रहेंगे, खाना खा करके जाएंगे, तो अगर सोचेंगे कि खाना वगैरह आ करके बनाएंगे और खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कब कितनी लंबी भीड़ है वो कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, क्या चीज खाना बनाए हैं वो आपको दिखाते हैं, और खा पी करके हम चलते हैं वोट मारने। और मैं चलती हूँ नीचे अपने घर, तो चलिए दोस्तों फाइनली हम चलते हैं नीचे अपने किचन में, किचन में क्या चीज खाना बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और स्पेशल झारखंडी स्पेशल ट्रेडिशनल आज हम फूड बना रहे हैं, तो चलते हैं आपको दिखाने के लिए। तो क्या चीज बना रहे हैं भाई, ये है हमारा छोटू सा किचन, जो मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं ना आलू उबाल ली हूँ, ये देखिए आलू उबाल लिए हैं, और हमारा चावल बन रहा है, भात चढ़ा दिए हैं, तो भात पहले ही, और देखते हैं भात हमारा हुआ है या नहीं, तो भाई इस तरह से है, तो चलो भात वगैरह बना लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं बना रही हूँ चोखा, और हमारा भात मार बन चुका है भाई, ये झारखंडी स्पेशल ट्रेडिशनल फूड है, तो गांव में आए हैं ना तो स्पेशल तरीका से खाएंगे, और खाएंगे भी, और गर्मी के मौसम में ये खाना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत हार्ड गर्मी है पलामू में, तो भाई हमारा चोखा वगैरह बन गया है, और इधर दिखाते हैं हम आपको भात मार, भात बन चुका है और ढक दिए है इसको, तो भाई इस तरह से देखिए मार भी हमारा रेडी हो चुका है, तो अभी गरम है, गरम गरम खाएंगे ना तो और मतलब अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ये देखिए हमारा भात भी बन गया है, रेडी हो चुका है, और मैं चलिए आपको बहुत स्पेशल डिश दिखाने चाह रही हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक होता है, ठीक है, तो चलिए जी है, तो इधर मैं दिखाती हूँ स्पेशल, जो हमारे देवर भाभी मिल करके हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम झोरा बना रहे हैं ना, अच्छा दोपहर में निकल गया सर, अच्छा दोस्तों हम लोग खाना पीना तो बना लिए हैं, ये दीदी भी बना ली है, वहाँ देखिए ये मैया को लेकर के अभी खड़े हुए हैं खिलाने के लिए, और भैया जाएंगे वोट देकर के आएंगे तब आप लोग चलेंगे ना, तो हम लोग उसके बाद जाएंगे, और फिलहाल ये देखिए हम झोरा बना रहे हैं, कौन सा ड्रिंक है भाई, ये पीने से क्या चीज होगा, ठंडा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और
और ये दोस्तों धूप है ना, तो धूप में ये लू का काम करता है, जो कि आपको लू नहीं लगेगा। ठीक है, तो अमझोरा अक्सर घर में भी पीते हैं और बाहर में भी पीते हैं, जैसे कि मार्केट वगैरह जाओगे तो अक्सर आपको ये मिलेगा अमझोरा पीने के लिए आम की। तो चलिए हम पी करके दिखाते हैं। और एकदम मस्त, एकदम गोर रहे, एकदम क्या ची डाले हैं जी? मेथी डाले हैं, नमक मिर्चा, नमक मिर्चा एकदम मस्त डाले हुए हैं। जीरा पाउडर, जीरा पाउडर नहीं है, तो हम लोग देसी अंदाज में बना रहे दोस्तों। तो अगर मार्केट में आप जाओगे तो जीरा पाउडर वगैरह सब मिलेगा, काला नमक वगैरह मिलेगा। मेरे पास है तो मैं डाल देती हूँ, आ जाओ आप इधर। और पानी मिलाएंगे जी? नहीं 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 मिलाना है। तो इसमें देखिए, और इसका टेस्ट जो भाई बढ़ा देगा ना, क्या ही बोले। इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं, काला नमक से बहुत अमझोरा एकदम टेस्टी लगती है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। अच्छा और डाले क्या? थोड़ा सा बस, अच्छा हो गया। गिलास नानी है, पी लेते हैं। मिर्चा नहीं डालना है ना? नहीं, मिर्चा अभी, मिर्चा डालेंगे तो जलन देने लगेगा, ठंडा होगा तो जलन देने लगेगा। तो ये देखिए इधर, यहाँ दिखाइए, सामने से दिखाओ, सामने से दिखा दो, ये देखो यहाँ पे दिखाओ सामने से। ये देखिए दोस्तों, अमझोरा रेडी हो चुका है और एकदम ठंडक पहुंचेगी मस्त एकदम। पी करके देखते हैं, चलो फोटो खींच दो, इधर आवा, बढ़िया रहा है दोस्तों। मैं देवर भाभी मिल करके भाई अमझोरा पी रहे हैं, तो पीते हैं, देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काला जीरा रहा तो और मस्त लगता है। लीजिए जी, अब आप बताइए, अब हम निकालते हैं आपके लिए, ठीक है? बस बस बस, टेस्ट करेंगे, सबको बचा बचा कर देना, हम पिए हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अमझोरा पीना चाहिए क्या? धूप में, धूप में पीना चाहिए। और स्पेशल क्या चीज धूप में पीना चाहिए? ड्रिंक के में लू नहीं मारेगा, इसके लिए देहाती वाला, जो कि आप माँ भात खा सकते हैं, पानी भात खा सकते हैं, देहात में जो कि देसी स्टाइल में जो कि खाना चाहिए। और क्या है, जो कि अभी आपको ताड़ी मिलेगा, जो खजूर का मिलता है। नहीं, अभी ताड़ के मिलेगा, ताड़ के, ताड़ के, ताड़ के। तो ताड़ का भी आपको बहुत लाभदायक है, और मतलब शरीर का मतलब अभी गर्मी नहीं लगेगा, लू नहीं मारेगा दोस्तों। तो चलेंगे कभी आपको ताड़ के पास दिखाने के लिए, और वहाँ कभी हम लोग तो नहीं पी सकते हैं क्या? लेडीज पीते हैं क्या? है, पी सकते हैं। वो मतलब शराब में नहीं आता है, बियर की तरह वो। तो हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे दोस्तों, उसको हम आपको दिखाएंगे किस तरह से नासा वगैरह लगता है। नहीं लगता है, नहीं लगता है नासा, क्योंकि अगर आपको पेट में जिसकी गर्मी है वो फाड़ देता है, मेरे पतिदेव जी बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों किचन में और निकालते हैं माड़ भात। ये देखिए मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ, मेरा जो किचन का स्पेस जो है ना गाइस बहुत छोटा है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रेसिपी वगैरह भी शूट नहीं कर पाते हैं अच्छा से। और थोड़ा सा बड़ा स्पेस होने से रेसिपी अच्छा से शूट भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा देखने में, पूरा अच्छा से नहीं कर पाते हैं। ले आए हैं खाना इधर निकालने के लिए अपना हॉल में, तो खाने को निकाल लेते हैं एकदम टेस्टी टेस्टी। निकाल लिए है, और ये देखिए चोखा भी एकदम मस्त, आलू की चोखा और एकदम अचार, जो गोभी का अचार है भाई, गोभी मिर्चा के लगाए, इतना टेस्टी है ना कि क्या ही बोले। खा लिए माई, खाना खा लिए, खाएंगे, खाइएगा? नहीं खाना है?
तो हमारी मम्मी जी हैं, मेरी मम्मी का गोतनी है, तो मम्मी ही हुई, चाची सास है। तो रखते हैं इधर से, बंद करते हैं, ठीक है। और नमक निकाल देते हैं भाई। ये एकदम मस्त एकदम खाना है। चलो बाबू एक फोटो खींचो। तो दोस्तों मार भात खा करके एकदम थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होता तो और अच्छा लगता। बहुत मस्त। अब खाएं देखें, इतना अच्छी लग रही है कि क्या ही बोले। खाना खा रही है दोस्तों। खाना खाने के बाद में चलते हैं वोट मारने के लिए। और ये है वोटर कार्ड, जो निकाल लिए वोटर कार्ड को और चलते हैं। और हमें स्लिप भी मिला हुआ है, यहाँ पे निकालते हैं स्लिप। ये देखिए नहा लेगी अपना देसी अंदाज में। और बच्चा ए राधो खाना खाई मैया, जाके खाना खा लो। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से घर, सॉरी घर नहीं, जा रहे हैं वोट मारने। रास्ते में निकल गए हैं और आपको वहाँ का नजारा दिखाएंगे, कितनी भीड़ है कितनी। चलो दीदी वोट मारे। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ दोस्तों वोट मारने के लिए। और ये देखिए वो स्कूल है, वही स्कूल में हम आए हैं। और शायद यहाँ पे पर्ची कट रहा है कि क्या कट रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है यहाँ, पर्ची मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर्ची मिल रहा है, उसके बाद में जाएंगे वोट मारने। वो तो मिला है ना एगो, तो हम लोग मिल चुका है पहले ही घर से ही। तो हम लोग पर्ची नहीं कटाएंगे, हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग अंदर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कितना भीड़ है और गांव में कितना जनसंख्या है भाई, वो दिखाते हैं यहाँ। ओहो मैं सोच रही थी कि ज्यादा लंबा लाइन है, फिर भी है। वो देखिए ये है दोस्तों सुबह स्कूल, जो कि सुबह स्कूल में आ चुके हैं हम। नंबर वोट दे दे ली रवा आ काम में मर लिया। चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पे अंदर। आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बस आपको लाइन दिखा रही हूँ। देखिए लाइन कितनी लंबी, वहां से आपको लास्ट हो रही है, मतलब लास्ट उधर है पीछे। और बहुत ज्यादा भीड़ देख सकते हैं यहाँ। ये देखिए ये जेंट्स के लाइन लगी हुई है। और इधर मैं चलती हूँ इधर दिखाने के लिए, थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ। ये देखिए बहुत लंबा लाइन है इधर, थके खड़े खड़े थके हुए हैं। दोस्तों वोट मार के तो जा रहे हैं और जस्ट आए और बहुत अच्छा लगा। और मार करके जा रहे हैं घर अपने, तो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये
वोट मारने का निशान ये है, तो हमने मार लिया वोट, उसके बाद हम जा रहे हैं घर अपने। और आए थे साथ में ना, तो पीछे ही थे, तो पीछे मार करके आएंगे और मैं जा रही हूँ पहले, ताकि मतलब बहुत थके हुए लग रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से घर। अरे निजी बात का, हम कागज यहाँ से ले मिला, तो यहाँ आपको घर नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ से आपको खोज करके मिलेगा। ये देखिए यहाँ वोटर कार्ड का क्या बोलते हैं इसका, ऐसा वाला पर्ची। और ये है पीपल का पेड़, नीम का पेड़ है, पीपल का नहीं। नो सॉरी, नीम का पेड़ है भाई, भूल जा रहे हैं। देखिए ये आप दिला दिए। नीम के पेड़ के पास में किस में वोट मार दे वोट आप? हाँ, आप किस में मारे? ये हाँ देख लिए दोस्तों, चला चला दोस्तों, यहाँ से वोट दे करके जा रहे हैं अपने घर। बहुत काफी धूप है, तो गाड़ी मिल गई है भाई। घर आ चुके हैं दोस्तों, घर आने के बाद चलते हैं अंदर। ये देखिए एकदम गाड़ी से आए ना, तो थोड़ा सा आराम लग रहा है, नहीं तो एकदम पसीना पसीना हो जाते, बहुत हरसमेंट लगता, बहुत ए मतलब हाफ किलोमीटर दूरी पे है हमारा घर से। मियां छोड़िए, हो गया सब बात, छोड़िए, पर ये सब हो रहा है कि वोटर के जरूरी है। सरकार चल दिए भाई, वोटर आईडी कार्ड दे चा, आप ऐसे ही निकल जाते हैं। बोला हम जरूर पहन के ये देखिए गुरुजी निकल गए हैं, कहाँ जा रहे हैं जी गुरुजी? जी सुबह स्कूल जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए दोस्तों राधो नानी के लगा रही है बाल, रंग रही है एकदम, नहीं बढ़िया से लगाई है। हाँ लगा दे, देखिए ना इधर नहीं लगाई है पूरा, इन्हें इन्हें बच्चा है ना इसी तरह से लगा रही है, पूरा इधर से मिला दो, यहाँ से मिलाओ ना, यहाँ से ऐसे पूरा सुंदर हो जाएंगे दीदी काला बाल करके। एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट।